अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई क्या हाल है सबके लिए। नाइट एंड डे मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ, जहाँ इस मूवी कास्ट में हमारे पास है टॉम क्रूज, दूसरी है कैमरन डियाज। कैमरन डियाज को तुम कैसे जानोगे, 1994 वाली जिम कैरी वाली दमास मूवी देखी है, उसमें जो लड़की थी ये वही लड़की है, टॉम क्रूज है और ये वाली लड़की है। जहाँ असल में इस मूवी के ऊपर बात करें, असल में कॉमेडी मूवी है, लेकिन जब मैं इसको देख रहा था तो मैं कहीं ना कहीं रेलिवेंट मैं समझ गया कि हाँ भाई बॉलीवुड ने इस मूवी का रीमेक किया, जो कि ऋतिक रोशन की थी, बैंग बैंग 2014 में आई थी। जहाँ मैंने ये मूवी देखी, इस मूवी को मैंने ज़्यादा अच्छे तरीके से इन्जॉय किया, ना कि वो अपने टाइम की थी, लेकिन जब मैंने पहली दफ़े इसको एक्सपीरियंस किया तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। एक कॉमेडी स्पाई मूवी है जो कि हमारी अटेंशन काफ़ी जल्दी ग्रैब कर लेती है। इसमें जो बिल्डअप हमें देखने को मिले, जो फाइट सीक्वेंस हमें देखने को मिले, वो टॉप नॉच किस्म के। जहाँ एक आध बातें और बताऊँ तो ये आता है, इस मूवी के अंदर कोई भी डल मोमेंट नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्पार्की किस्म की है कि हाँ भाई मूवी कलरफुल महसूस हो जाती है। इसमें कोई भी डल मूवमेंट नहीं है, लेकिन कहानी कुछ सर्टेन सीन्स में लेकर चली जाती है, जहाँ कहानी थोड़ी सी स्लो हो जाती है, लेकिन वो ज़रूरी थी उस मूवी की स्टोरी के हिसाब से। जहाँ सर्टेनली कुछ सीन्स ऐसे हैं जो हाँ वर्थ वॉचिंग है, तुम्हें देखने में मज़ा आता है, तुम इन्जॉय करते हो। टॉम क्रूज इस मूवी के अंदर एज एक्टिंग हमेशा की तरह ग्रेट, लेकिन कैमरन डियाज ने जो करेक्टर प्ले किया वो भी वेरी वेल प्लेड है। मतलब कि हाँ किस तरीके से पैनिक होना है, किस तरीके से रिएक्शंस देने, तो वो चीज़ अलग तरीके से शोकेस हो जाती है। इस मूवी के अंदर जो हमें जो कास्टिंग देखने मिली वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। टॉम क्रूज, कैमरन डियाज पहली दफ़ा मुझे एक मूवी के अंदर देखने को मिले। छोटे से मोमेंट के लिए एक कैमियो भी था, या एक अपीयरेंस थी तुम कह सकते हो, जो कि थी गैल गैडोट की, जो मैंने अचानक देखी, मैंने कहा अच्छा ये भी है इसके अंदर, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। जहाँ एक आध बातें और बताऊँ तो ये आता है, इस मूवी के अंदर जो एक गुड पेयरिंग और जो कंप्लीट पैकेज हमें देखने को मिल रहा है ऑसमनेस का, वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया कि हाँ भी एक्शन है, धमाका है, कॉमेडी है, और थोड़ी बहुत जो रेलिवेंट कॉमेडी होती है वो सब कुछ इसमें देखने को मिल रही है। तो एक कंप्लीट पैकेज है तुम्हारे लिए, वन ऑफ द बेस्ट मूवी जो मैंने अभी तक देखी है, और मैं इसमें यकीन करो बोर नहीं हुआ। एक आध बातें और बताऊँ तो एक्शन सीक्वेंस इस मूवी के अंदर अनडिनाइबल है, तुम उसकी तारीफ़ किए बिना तुम रह नहीं सकते। इसमें जो करेक्टर हमारे पास है, रॉय नाम का करेक्टर प्ले किया है टॉम क्रूज ने, जून नाम के करेक्टर का प्ले किया है कैमरन डियाज ने, जो ह्यूमर है एक अलग ही अनदर लेवल पे कहानी लेके चला जाता है। मैं तुम्हें बताऊँ मूवी अगर तुम देखोगे तो तुम इस मूवी को देखोगे तो तुम्हें बताऊँ तुम बोर महसूस नहीं करोगे। बस इसकी स्टोरी के ऊपर, इसके प्लॉट ट्विस्ट के ऊपर तुम हाँ ट्रस्ट कर सकते हो, यकीन कर सकते हो, लेकिन जो एक्टर्स ने एक्टिंग करी है वो चीज़ तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करती, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और ओवरऑल अगर मैं तुम्हें बताऊँ, मैं तुम्हें पर्सनली रिकमेंड करूँगा, तुम्हें चाहिए तो तुम देख सकते हो नाइट एंड डे। ये था सब कुछ, तुम्हें कैसे लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इस जैसी वीडियो देखिए चैनल को सब्सक्राइब, मुझसे पसंद मिलना, मैं यहाँ मिलूंगा। तब तक देखते रहो मसूस फिक्स, अल्लाह हाफिज़।